नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पितृपक्ष में मोक्ष स्थली गया पहुंचे फ्रांस के राजदूत, नालंदा के विरासत का भी किया भ्रमण, सोशल मीडिया पर जाहिर की खुशी। बिहार में खुलेंगे 110 नए अस्पताल, 110 नए अस्पताल का 90 दिनों के अंदर होगा उद्घाटन, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था होगी बेहतर। 25 सितंबर को सिवान में लग रहा रोजगार मेला, 560 युवाओं को रोजगार देने का है लक्ष्य, भाग लेने के लिए एनसीएस पोर्टल पर करवाए निबंधन। अपराध पर नियंत्रण के लिए सीएम नीतीश का बड़ा फैसला, बिहार पुलिस में करीब 1,00,000 पदों पर होगी बहाली। इस ऐलान के साथ ही सीएम नीतीश के अपराधियों को बड़ी चेतावनी। पहले टेस्ट में भारत ने बांग्लादेश को दी करारी शिकस्त, अश्विन ने झटके 6 विकेट, जडेजा ने किया फिनिश, टीम इंडिया ने 280 रनों से पहले टेस्ट किया अपने नाम। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार सरकार पुलिस विभाग में 1.23 लाख खाली पदों पर बहाली निकालने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया, जिसमें 35% महिला आरक्षण का भी प्रावधान है। उन्होंने कानून व्यवस्था को सर्वोपरि बताते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है, यदि कोई पुलिसकर्मी अपराध के साथ समझौता करने की कोशिश करता है। सीएम नीतीश ने अपराध अनुसंधान में तेजी लाने और रात्रि गश्ती को मुस्तैद करने का भी निर्देश दिया है। वर्तमान में बिहार पुलिस में 30,000 महिला पुलिसकर्मी हैं, जो देश में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की संख्या बढ़ने से शिकायतों के समाधान में सुविधा होगी। बिहार में कम बारिश के बाद भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस बार 27% कम बारिश हुई है, बावजूद इसके प्रदेश के कई नदियों में जबरदस्त तूफान देखने को मिल रहा है। प्रदेश के 12 जिलों में अगले 72 घंटे तक बाढ़ की संभावना है। हालांकि इसके बाद नदियां लाल निशान से नीचे आ सकती हैं। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा कि आधे सितंबर का महीना बीत जाने के बाद भी नदियों में जबरदस्त तूफान है। गंगा भी अपने रौद्र रूप में है। बिहार की नदियों में उफान की वजह है यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पड़ोसी देश नेपाल में हो रही बारिश। इन राज्यों और पड़ोसी देश में हो रही बारिश की वजह से गंगा के साथ साथ कोसी, बूढ़ी गंडक, घाघरा और सोन नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। हालांकि बिहार सरकार बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए राहत बचाव कार्य तेजी से कर रही है। प्रशासन अलर्ट हो चुका है और एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीम बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने में मदद कर रही है। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रदेश में 110 नए अस्पताल खोलने का ऐलान किया गया है। स्वास्थ्य भवन में राज्य स्तरीय समीक्षा हुई थी, इसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की। इसी समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश में 110 नए अस्पताल खोलने का उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 400 करोड़ की लागत से निर्मित राज्य में 110 नए अस्पताल का उद्घाटन 90 दिनों के अंदर होगा, जिसमें 5 जिला मॉडल अस्पताल, मातृ शिशु अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 69 FRU कार्यरत है और जल्द ही 40 नए यूनिट कार्यरत हो जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर 2024 तक प्रदेश में 50% स्किल बर्थ अटेंडेंट हो। साथ ही अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा स्टाफ की ट्रेनिंग करवाई जाए। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल 25 दिसंबर को सिवान के सदर प्रखंड के धनौती स्थित KDITI फुलवरिया में रोजगार शिविर का आयोजन हो रहा है। ये रोजगार मेला श्रम संसाधन विभाग के तत्वाधान में लगाया जा रहा। इस जॉब कैंप में करीब 560 बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। जॉब कैंप का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक होगा। उम्मीदवारों को कम से कम ITI या डिप्लोमा पास होना जरूरी है। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। जॉब कैंप में भाग लेने से पहले जरूरी है कि आप NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें।
आज भारतीय गीतकार और कवि राजशेखर का जन्मदिन है। ये बिहार के रहने वाले हैं। इनका जन्म बिहार के मधेपुरा में हुआ था। 2011 में बॉलीवुड से इन्होंने अपनी शुरुआत की थी। इन्होंने बॉलीवुड के कई हिंदी फिल्मों के लिए गाने लिखे हैं। इसमें कंगना रनौत की तनु वेड्स मनु रिटर्न, वीरे दी वेडिंग, हिचकी, उड़ी द स्ट्राइक, उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक आदि शामिल है। जाने तू या जाने ना, जुगनी जैसे कई प्रसिद्ध गाने इन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। 4 दिवसीय दौरे पर फ्रांस के राजदूत थियरी मैथो बिहार आए हैं। बिहार आते ही उन्होंने राजगीर में विश्व शांति स्तूप और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम के साथ शिक्षा विभाग को बढ़ावा देने के मुद्दे पर बातचीत की। यहाँ आकर फ्रांस के राजदूत काफी खुश हुए, जिसका इजहार उन्होंने अपने सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर भी किया है। नालंदा की धरती को देख उन्होंने कहा कि ये वास्तविक विरासत है। इसके अलावा थियरी तो गया भी गए, जहां उन्होंने पितृपक्ष मेले की व्यवस्था देखी, साथ ही पितृपक्ष के रीति रिवाज से भी परिचित हुए, या उन्होंने पिंड दान भी देखा। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी भावना को साझा करते हुए लिखा, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ज्ञान के प्राचीन केंद्र नालंदा महाविहार में उपस्थित होकर और राजगीर में विश्व शांति स्तूप का दौरा करके खुशी हो रही है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हालेकर ने किशनगंज के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने सरस्वती विद्या मंदिर में छात्रों से संवाद किया और बच्चों को अच्छे नागरिक बनने की सलाह दी। इसके बाद वे डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज पहुंचे, जहां उन्हें कॉलेज द्वारा उत्पादित ड्रैगन फ्रूट और अनानास भेंट किए गए। MGM मेडिकल कॉलेज में उन्होंने चिकित्सकों की भूमिका पर बात की और समाज सेवा के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने इस दौरान बताया कि 1990 में किशनगंज में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी, जहां हर दिन 4,000 से भी ज्यादा लोगों का मुफ्त इलाज होता है। इस दौरान राज्यपाल ने विकास में पंचायत प्रतिनिधियों से भी सहयोग की अपील की। बिहार के सीतामढ़ी में 2 फर्जी शिक्षकों की पहचान की गई है। ये बीते 16 सालों से फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर अपनी सेवा दे रहे थे। इन फर्जी नियोजित शिक्षकों का ये मामला सीतामढ़ी के बेलसंड और बथनाहा प्रखंड के स्कूल से सामने आया है। अब इन दोनों ही फर्जी शिक्षकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बेलसंड और बथनाहा थानाध्यक्ष को निगरानी अन्वेषण जाँच ब्यूरो ने इन दोनों शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए पत्र लिखा है। मिली जानकारी के मुताबिक संबंधित प्राधिकार और बोर्ड से शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन कराने पर इनका सर्टिफिकेट फेक पाया गया था। बिहार में डेंगू का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। बुखार और डेंगू के लक्षण वाले कई मरीज प्रदेश के सरकारी से लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं। डेंगू का सबसे ज्यादा खतरा पटना जिले में देखने को मिल रहा। यहां बीते 10 दिनों में डेंगू ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते शनिवार को सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज की संख्या दर्ज की गई। प्रदेश में अब कुल डेंगू मरीजों की संख्या करीब 2381 हो चुकी है। पटना के बाद गया में सबसे ज्यादा डेंगू मरीज देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा बेगूसराय, औरंगाबाद, वैशाली और सारण जैसे कई जिलों में भी डेंगू मरीज मिल रहे हैं। पटना के PMCH, IGIMS, NMCH और पटना एम्स के OPD में इलाज कराने आ रहे वायरल बुखार में करीब 60% में बच्चे और युवा शामिल हैं। सोशल मीडिया पर बिहार की पहली महिला CM राबड़ी देवी का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा, जिसे देखकर कई लोग हैरानी जता रहे हैं। इस वीडियो में राबड़ी देवी घर की चक्की में आटा पीसती नजर आ रही हैं। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि जीवन का संबल है माँ, जीवन का आस विश्वास सार प्यार प्रतिमान और आशीर्वचन है माँ। कई लोग इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि राबड़ी देवी अभी बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष है। इतने बड़े पद पर रहने के बाद भी और इतनी अधिक उम्र के बाद भी राबड़ी देवी को राजनीति के साथ घर के काम काज संभालते देख लोग इनकी खूब सराहना कर रहे हैं। पटना मेट्रो के फतुहा स्थित कास्टिंग यार्ड में पानी घुस चुका है। इस वजह से निर्माण कार्य भी बीते कई दिनों से बाधित है। फतुहा स्थित कास्टिंग यार्ड में निर्माण कार्य ठप होने का असर प्राथमिक कॉरिडोर के 5 स्टेशनों के निर्माण पर भी दिख रहा है। आपको बता दें कि कास्टिंग यार्ड पटना बख्तियारपुर फोरलेन स्थित फतुहा से लगभग 8 किलोमीटर पश्चिम में बना है। इसे प्राथमिक कॉरिडोर के निर्माण एजेंसी NCC लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। कास्टिंग यार्ड में पानी के प्रवेश प्रीकास्ट कंक्रीट संरचना का निर्माण कार्य भी रुक गया है। साथ ही पहले बने प्रीकास्ट कंक्रीट संरचना को निर्माण स्थल लाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा।
आपको बता दें कि मेट्रो निर्माण के लिए कास्टिंग यार्ड सबसे जरूरी इकाई है, क्योंकि केवल पिलर को ही कार्यस्थल पर तैयार किया जाता है, अन्य सभी संरचनाओं का निर्माण मेट्रो के कास्टिंग यार्ड में ही होता है। फिर इन्हें निर्माण कार्यस्थल पर बड़े बड़े क्रेन या अन्य मशीन की मदद से लाया जाता है। आईएएस संजीव हंस की काली कमाई के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसी के अनुसार उनकी आय 5,47,00,000 के करीब में है, जबकि खर्चे से कहीं अधिक है। उन्होंने दिल्ली में 9,60,00,000 का फ्लैट खरीदा है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी कि एसवीयू ने संजीव हंस, उनकी पत्नी साले और पूर्व विधायक गुलाब यादव सहित 13 लोगों पर केस दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। संजीव हंस 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और ऊर्जा विभाग में प्रधान सचिव हैं। हाल ही में इनके करीबियों के 5 ठिकानों पर छापेमारी में 87,00,000 नगद, 13 किलो चांदी, 2 किलो सोने के बिस्किट और गहने बरामद हुए थे। इन पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं, जिसमें दुष्कर्म का मामला भी शामिल है। 2 अक्टूबर को जनसुराज औपचारिक रूप से बनेगी राजनीतिक पार्टी। प्रशांत किशोर की अगुवाई में जनसुराज औपचारिक रूप से 2 अक्टूबर को राजनीतिक दल बनने वाला है। जनसुराज के राजनीतिक दल की स्थापना को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा है कि ये पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि बिहार के आम लोगों की पार्टी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मेरा कोई दल नहीं बन रहा है, ये जन स्वराज का दल बन रहा है, जिसको बिहार के 1 करोड़ लोग मिलकर बना रहे हैं। 2 तारीख को नए दल का गठन किया जा रहा है। मैं गांव-गांव घूम-घूम कर कह रहा हूं कि ना तो मैं इसका नेता था और ना ही इसका नेता बनूंगा। आपकी आंखों के सामने 2 अक्टूबर को जन स्वराज का नेता चुना जाएगा। बिहार के लाखों लोगों के बीच से हमने चुनकर निकाला है, वही लोग इस दल में बैठेंगे और इस दल के चुनाव का नेतृत्व भी करेंगे। ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर कई बच्चों की एंट्री बिना आधार कार्ड के ही कर दी गई है। सबसे ज्यादा ये मामला पटना जिले के स्कूलों में सामने आया है, जहां कई स्कूल प्रबंधकों ने बच्चों से आधार कार्ड लिए बिना ही ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर उनके नाम की एंट्री कर दी है। अब इस मामले को देखते हुए शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। सभी स्कूल प्रबंधकों को विभाग ने निर्देश दिए हैं कि बिना आधार कार्ड लिए जिन बच्चों की एंट्री हुई है, उनके आधार कार्ड को 1 सप्ताह के अंदर ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपलोड किए जाए। यदि 28 सितंबर तक स्कूल प्रबंधक बच्चों के आधार कार्ड अपलोड नहीं करते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिन बच्चों का पोर्टल पर आधार कार्ड अपडेट नहीं है, उन्हें भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट को 280 रनों से जीत लिया है। ये मुकाबला चौथे दिन समाप्त हुआ, जब बांग्लादेश की टीम लंच से पहले 234 रन पर ऑल आउट हो गई। आर अश्विन ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट लिए और 113 रन की शतकीय पारी खेली। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 376 रन बनाए, जबकि बांग्लादेश पहली पारी में सिर्फ 149 रन पर ही सिमट गई। दूसरी पारी में भारत ने 287/4 पर पारी घोषित की, जिससे बांग्लादेश को 515 रन का लक्ष्य मिला था। बांग्लादेश की तरफ से साकिब अल हसन ने 32 रन बनाए, लेकिन वे लक्ष्य के करीब नहीं पहुंच सके। भारत की जीत में जसप्रीत बुमराह का भी योगदान रहा है, जिन्होंने 4 विकेट लिए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया, इनके नाम है अनवर करीम खान, प्रभास यादव, वेद प्रकाश सिंह, कुंदन कुमार, ओमकार सिंह, राकेश मिश्रा, राजकिशोर महतो, आलोक प्रियदर्शी, रवि कुमार राज, मोहम्मद अरमान, रंजीत मिश्रा, शंकर कुमार चौधरी, रामबाबू दास, सपना कुमारी, सादुल्लाह पालवी, मोहम्मद साकिर हुसैन, दीपक कुमार, पूजा राठौर, जितेंद्र ठाकुर, विजय यादव। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपके क्षेत्र में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।